सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 7th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा प्राणियों में पोषण। चलिए देखते हैं प्राणियों में पोषण के बारे में। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन से हम बना सकते हैं, इसके अलावा मानव सहित अन्य प्राणी जो होते हैं वो अपना भोजन से हम नहीं बना सकते हैं, ये अपना भोजन अन्य पालतू जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब हमने बात की कि पौधे अपना भोजन से हम बना सकते हैं। पौधे जैसे अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ जंतु व पौधे क्या करते हैं, जंतु को दोनों को खाते हैं। अब ये इसके बाद है कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमारे पास किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार के क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। अब इन जटिल पदार्थों को कहाँ बदला जाता है, सरल पदार्थों में बदला जाता है। और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। चलिए देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, एक प्रकार का जटिल पदार्थ। क्या ये जटिल पदार्थ, ठीक है। अब ये इन जटिल पदार्थों से किसका निर्माण होगा, सरल पदार्थों का, ठीक है। किसका निर्माण होगा, सरल पदार्थों का। छठा है हमारे पास
अंग जिसे छोटे अंग कहा जाता है, पांचवा है बृहदान्त जिसे बड़े अंग कहा जाता है, छठा है मलद्वार व गुदा। इस तरह से भोजन मुख से प्रवेश करेगा और कहाँ तक आता है हमारे मलद्वार व गुदा वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, नोट करें, ये सभी भाग मन करते जिसका निर्माण करते हैं आहार नाल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पाचक रस भी पाए जाते हैं, वो पाचक रस कौन कौन से हैं, लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या करते हैं पाचक रस को स्थिर करने का कार्य करती है। चलिए देखते हैं कौन सी ग्रंथि है, लाला ग्रंथि, इसे लाल ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि है, लाल ग्रंथि। इन ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, पाचक रस स्थापित होते हैं। दूसरी है यकृत, तीसरा है अग्नाशय, ठीक है, आहार नली और ये ग्रंथियां है लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पाचक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला टॉपिक है हमारा मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया, अंदर ग्रहण कर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, इसके द्वारा होती है मुख गुहिका के द्वारा होती है। भोजन का जो अंदर ग्रहण होता है वो इसी भाग के द्वारा मुख के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर ग्रहण कहलाती है। परिभाषा ये है, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, लेने की प्रक्रिया अंतर ग्रहण कहलाती है। इसके बाद दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, यांत्रिक विधि के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच बीच में अलग अलग गर्भिका में फंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। वैसे तो दांतों के मुख्य रूप से चार प्रकार बताए, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। दांतों के प्रकार पहला है नख, दूसरा है रजनक, तीसरा है अग्रचवर्णक, चौथा है चवर्णक। ये क्या है, दांतों के प्रकार के कौन कौन से हैं, रत्नक, रत्नक, तीसरा है अग्रचवर्णक, चौथा है चवर्णक। नोट कर ले। इसके बाद देखते हैं हम मुख के दांत व स्थायी दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल से निकलता है, लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। जो दांत होते हैं वो 8 वर्ष तक गिर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय मिलने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जीभ पर। तो जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कारिकाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा हम भोजन का स्वाद का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्रसिका। दूसरा भाग कौन सा है हमारा, ग्रसिका।
तंत्रिका होता है। आहार नाल का यह क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग है, यह एक और वृषिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरे और शुक्राग्र में होता है। आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वो श्लेष्मा होता है, मतलब श्लेष्मा का बना होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस स्रावित होते हैं। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँचते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। ठीक है,